और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। बड़ा तालाब में एक युवक के डूबने की सूचना है। स्थानीय लोगों के साथ कोतवाली और हिंदपीढ़ी थाना के पुलिस मौके पर मौजूद है। स्थानीय युवक तालाब में डूबे हुए युवक की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय गोताखोर की टीम भी तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक दौड़ते हुए आकर तालाब में छलांग लगा दिया था। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे साथ संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी, कितने वक्त और लग सकता है, क्या कुछ उस पर अपडेट? देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को यह जानकारी दी कि एक युवक जो है वो काफी दूर से दौड़ते हुए आया और फिर बड़ा तालाब में छलांग लगा दिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि करने के लिए वहां पर मौजूद कई लोग मौजूद नहीं थे। सभी लोगों ने एक सुनी सुनाई हुई बातों को कह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिसने ये कहते हुए पुलिस को शिकायत की कि उसने एक युवक को छलांग लगाते देखा है, जिसके बाद स्थानीय गोताखोर की मदद से जो है तालाब में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी की गई कई घंटे की तलाश के बाद जब अंधेरा पूरी तरीके से छा गया है तब तलाशी अभियान जो है, सर्च जो है, उसे बंद कर दिया गया। फिर से सुबह में एक बार सर्च किया जाएगा ताकि जिस युवक के डूबने की जानकारी मिल रही है, जो सूचना मिल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है या फिर सही में कोई युवक तालाब में डूबा है, इसकी जानकारी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि आसपास के लोगों से भी लगातार बयान लिए जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है कि जो युवक कूदा है वह कौन है, किस जगह का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। लेकिन अब तक तालाब में किसी के जो डूबने के बाद किसी को नहीं निकाला गया। वापस से सुबह खोजबीन शुरू होगी और ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ इस पर सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।